तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो MSI Katana का GF6611UC जो लैपटॉप है उसके अंदर हम अगर माइनिंग करते हैं तो हमें किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो इस लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें इसके सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो इंटेल का कोर i7 है और इसकी जो 2300 MHz इसकी जो फ्रिक्वेंसी है इसमें 8 कोर हैं और 16 थ्रेड हैं और ये टर्बो की मैक्स पे ये लगभग 4600 MHz पे फ्रिक्वेंसी पे जा सकता है। और रैम की बात करें तो इसमें 8 8 GB की दो रैम स्लॉट है, मतलब ड्यूल चैनल ये 16 GB टोटल रैम है DDR4। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूल चैनल है यहाँ पे रैम का। अब यहाँ पे वीडियो अडैप्टर जो ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ पे दो ग्राफिक कार्ड है, इंटेल का USD ग्राफिक कार्ड है और साथ में है एनवीडिया का GeForce RTX 3050। तो हम आज देख रहे हैं कि ये RTX 3050 पे अगर हम माइनिंग करते हैं तो क्या परफॉर्म। तो अभी हमने हमारी जो माइनिंग ऐप है NiceHash वो यहाँ पे ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे जो माइनिंग है सबसे पहले CPU माइनिंग है वो इनेबल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जो CPU माइनिंग है उसको भी स्टार्ट कर देता हूँ और नीचे GPU की जो है बेंचमार्किंग चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CPU है उसकी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 6 से लेके 7 INR के बीच में रहता है जो कि 24 आवर का है। और यहाँ पे आपका जो CPU लोड है वो ऑलमोस्ट 100% जाता है। तो CPU की माइनिंग यहाँ पे कुछ खास नहीं है, 6 से 7 रुपये मिलेंगे लेकिन आपको CPU को डैमेज होने का खतरा रहेगा। और बात रही यहाँ पे GPU माइनिंग की तो यहाँ पे अभी अब GPU की बेंच मार्किंग चल रही है और जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो यहाँ माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और प्रॉफिट अभी लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं CPU का GPU का टेम्परेचर है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड है और 100% यहाँ पे लोड है। फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट आ चुकी है, 37 रुपीज़ के आसपास है, लगभग 36 37 रुपए के आसपास रहती है। और अगर मैं CPU की भी साथ में ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे जो दोनों की माइनिंग स्टार्ट हो गई है और दोनों के मिला के देखें तो मतलब जो प्रोसेसर है i7 और ये RTX 3050 जो GPU है दोनों को मिला के जो ऑलमोस्ट अर्निंग है वो लगभग रहेगी 44 INR पर 24 आवर। तो ये है RTX 3050 की जो माइनिंग कैपेसिटी है, कुछ खास कैपेसिटी नहीं है इसमें से। आप अपने बिजली के खर्चे घटा लीजिए और भी बाकी चीज़ घटा लीजिए तो RTX 3050 माइनिंग के लिए कुछ अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं है सिंगल देखे जाए तो। और मैं इसको माइनिंग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी आपके ऊपर क्या है, आप क्या करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप 3050 से कितनी अर्निंग कर रहे हैं, क्या आप माइनिंग करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।